अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? लाइफ मस्त जा रही है ना? सब्सक्राइब किया हुआ चैनल को या नहीं किया हुआ? और अगर नहीं किया हुआ तो फॉरन कर दो, लाइफ में एंजॉय एंजॉय हो जाएगा, और हो ना हो मेरा चैनल तो सब्सक्राइब हो जाएगा। आज हम बात करेंगे उस मूवी की जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की भाई टॉप लेवल की है, कल्ट क्लासिक, मशहूर तरीन पंजाबी मूवी मोरा चट। सच में बहुत अच्छी मूवी है भाई, एक दफा लाजमी देखना। वैसे भी लेजेंड ऑफ मोरा चट आने वाली है, तो सोचा उससे पहले पुरानी वाली का नट शेयर कर देते हैं। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले बता दूं, इस मूवी में जितने भी आर्टिस्ट हैं या थे, सबके सब लेजेंड हैं, उन सबके रिस्पेक्ट करता हूँ मैं, तो कोई पंगा वंगा नहीं करना, मस्त होके वीडियो को एंजॉय करना। मूवी स्टार्ट होती है 1979 में, जब मेरे वालदैन की शादी भी नहीं हुई थी। सच में इतनी पुरानी है? जहाँ एक लड़की लगातार भागती रहती है, शायद रेस वेस में हिस्सा लिया इसने, और भाग भाग के कुछ लोगों के पास जाती है मदद मांगने के लिए। मेरे पीछे एक बंदा लड़ा हुआ है, प्लीज मेरी मदद करता हूँ। और सब जोश में आते हैं मदद करने के लिए कि ओए कुरिए, कौन है वो बंदा? और जब उन्हें पता चलता है ना, वो नूरी नट का भाई भाई माँ के, तो सब पीछे हट जाते हैं। बस हवा निकल गई। और ये फुल बदमाश एंट्री के साथ आता है, उसका दुपट्टा हाथ में लिपटा हुआ, इरादे सही नहीं लग रहे मुझे इसके। ये फिर वापस भागती है, और ये चिल्लर पार्टी भी इसके साथ भागती है, शायद ये समझ रहे बकरम बकराई चल रही है। और ये सब दरवाजे बंद कर रहे हैं इसको देख के। अच्छा, उस जमाने में भी जुलम के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता था। अब ये आती है पुलिस स्टेशन, जहाँ पे ये कहती है नूरी नट का भाई माँ के मेरे पीछे भरा हुआ है, मेरी जान बचाओ। मगर पुलिस तो खुद उसके साइड है, और ये इधर भी आ जाता है हंसते हुए कि तुम्हें कोई नहीं बचाएगा कुरिए। मगर लड़की कहती है होगा भाई, कोई तो मेरी मदद करेगा। और ये वहां से भी भाग जाती है, और माँ के कितना भगाएगा बेचारी को। और वो भाग भाग के एक ब्रिज में आगे गिर जाती है भाई, और माँ के भाई उसके ऊपर हंसना शुरू हो जाता है। ये वो डैश डोज बन गया जो आपकी मदद नहीं करेगा, हमेशा हंसेगा। और फाइनली कोई इस लड़की के सर पे दुपट्टा डालता है, और ये देख के भाई माँ के की ना मक्की जितनी इको हर्ट हो जाती है, किसने इसकी मदद करी होए। तो सामने से आती है एक और लड़की जिसका नाम है तानी, और ये है मोरा चट की बहन। ओए माँ के, गलत एरिया में आ गया भाई, मगर क्या वो सुधर जाएगा? ओए ये लड़की मुझे दे दो, अभी भी कहती हूँ सुधर जा, वरना मोरा चट आएगा, बहुत मारेगा तुम्हें। और ये वो काम करती है जिसके लिए इसको मूवी में रखा है। और फिर आता है हमारा लेजेंड, हमारा हीरो सुल्तान राय मोरा चट। ओए तुम मोरा चट हो? नहीं, ये तो अम्मी की कमेटी के पैसे देने आया है। ओए मैं 12 गांव से इसको पका के लेके आ रहा हूँ अपनी दहशत में। ओए इतने सारे? ये लड़की मुझे दे दो, मैं अपने साथ लेके जाऊंगा। ओके तुम ले जाओ इसको लड़की को अपने साथ, मगर इसको अपनी दुल्हन बना के और अपनी बहन की इसके भाई के साथ शादी करवा के। कोई लड़की से भी पूछ लो इसको जाना है इसके साथ कि नहीं जाना, और माँ के को भी इससे शादी नहीं करनी, बस पकाना है इसको। ओए 2 साल से मैंने फाइट को फुल स्टॉप किया हुआ है, कहीं तेरे ही खून से वो फुल स्टॉप मिटाना ना पड़े। और फिर आदम मोहदा जो मोरा चट का दोस्त है भाई, फुल बरमबाजी के साथ। ओए टन रख भाई, क्या हो गया है? लेकिन भाई मोहतिया तो भाई फुल मूड में आए लड़ने के, और माँ की भी ये सब ड्रामे देख के ना भाई तंग आ जाता है। वो कहता है लड़की दो मुझे, मैं जाऊँ यहाँ से। और मोरा चट उसको लड़की ने एक चमाट देता है, और ये भी स्टार्ट हो जाता है भाई बहुत मारता है माके को, और लड़की के पाँव पे आके गिरा देता है, और ये हंसना शुरू हो जाती है। अबे क्या हो गया, ये बागर वागर हो गई है क्या? और फिर आते मूवी का पहला सॉन्ग, जिसपे माके नटकी ना भाई फुल तपाती है, और इसके पाँव से भाई खून निकलता है, पाँव भी दख गए हैं भाई, इतना पाके हैं, और अब डांस भी किया है, वो भी इंसान होते हैं भाई। मैं नहीं करूंगी इससे शादी, और ना मेरा कोई भाई है, मगर हाँ इसकी बहन की ना किसी से शादी करवाते ना, ताकि ये किसी औरत को परेशान ना करे। और ये कह के लड़की मल चली है। अबे माके की शक्ल है सुधरने वाली। और मोरा चट को आता है गुस्सा, और माके तैयारी कर रहे शादी की, फुल मून वाले दिन अपने दोस्त की शादी करवाऊंगा तेरी बहन से। और ये खामोशी खामोशी से अपने घर पे आ जाता है। ओए माके बरम मारना, ओए माके बरम मारना भाई। और यहाँ आती है इसकी बहन दारो, जो भाई फुल बदमाश है, और मेरी फेवरेट भी है भाई, इस फैमिली में ना सभी बदमाश हैं। ओए किसने किया है तुम्हारा ये हाल? नाम बताओ, ये किसने दिया हो तुम्हें ये निशान, और तुम क्यों पुस्तिर की तरह आ गए वापस? अबे सांस तो लेने दो उसको, इतने सवार एहसास कर दिए उससे आगे। और फिर वो सब स्टोरी बताता है कि भाई मोरा चट्टा उसके दोस्त है, सबने मुझे मारा। मगर ये सुन के ये खुश नहीं है, और इसी बात पे ना वो अपने भाई को गोली मार देती है। अबे क्या चीज है ये तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। और अपने फंदरों को कहती है इसकी लाश यहाँ से ले जाओ, इस इलाके में से मोरा चट की कब्र ही बनेगी। और निकल जाती है भाई कंग लेके कोरे में बैठ के उसको मारने के लिए। और इसका सामना होता है इससे, जिसे मोरा चटका पूछती है, और उसको बताती है मैं नूरी नट की बहन हूँ। हेलो रेटी, मैं नूरी नट का पहनोई हूँ। अबे दब जाती है उसकी, वो कन निकाल के इसको मारने वाली होती है कि पुलिस उसको पकड़ के ले जाती है माके के खून के इल्जाम में। और ये बेचारा मोरा चट के पास आता है कि भाई कहाँ फंसा दिया मुझे, वो पागल औरत है, उसने अपने भाई को मार दिया है और मुझे भी मारने वाली थी। अबे कहाँ शादी फिक्स कर दी मेरी भाई। मगर ये सब सुन के ना भाई मोरा
चट सिर्फ मुस्कुराता है, सिर्फ मुस्कुराता है। अबे ये मोरा चट का दोस्त ही है ना, या किसी जन्म का बदला ले रहा है? वहाँ पुलिस पूछती भी है, भाई क्यों मारा तुमने उसको? बुस्तर इंसान था वो, मेरे घर में ऐसे बंदे की जगह नहीं है। ओ मोदी है, तुम तो गए बेटा, और फिर इसको जेल में डाल देते हैं। और वहाँ जेल में भाई सब कैदियों की हवा जामे, क्योंकि उनकी जेल में आ गए भाई नूरी नट। और जेलर भी परेशान है, इतना शोर क्यों हो रहा है? तो ऑफिसर बता देगा भाई नूरी का ट्रांसफर हो गया हमारे जेल में, इतनी दहशत है उसकी। और फिर आते नूरी चट सामने और एक रेशन डायलॉग। जेलर कहते हैं मेरे पास 100 तरीके हैं तुम्हें सही करने के। मेरे पास 101 तरीके हैं उसके जवाब देने के। और नूरी अभी बताते हैं फैंटेसी कि उसको फाइट करनी है अपने बराबर वाले से या अपने से भी ज्यादा वाले से, जो उसको मारे, इसको हरा सके, ताकि इसको लड़ने में मजा आए। अबे कैसी फैंटेसी है भाई ये? जेलर भी परेशान होता है कि कितना संगी आदमी है ये, अबे पागल हो गया ये। फिर हमें दिखाया जाता है मोरा चट को, सुबह का टाइम होता है, दरवाजे में कोई आता है, टक 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 टक, ये समझता है उसका दोस्त है। मगर वो तो निकलती है एक लड़की जिसका है मुक्को नाम, मोरा चट से फ्लर्ट करना है उसका काम। और वो कहती है तुमने अपने दोस्त की तो शादी फिक्स कर दी, अब हमारे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने तो छोटे छोटे चट और चाटनी के नाम भी सोच लिए। अबे इसके क्रिंज से तो भाई मोरा चट भी घबरा गया। मगर ये जो दानी है ना, ये मसे के लिए पूछती है, बताओ बताओ नाम तो बताओ तुमने क्या रखे? तो वो कहती है मैं तो रोशन नाम रखूंगी। और ये सुन के भाई मोरा चट इमोशनल हो जाता है, वो का कोई पास इसका। और वो कहता है जब तक मेरे दोस्त की शादी नहीं होगी ना, तुम मेरे पास नहीं आना। अबे सही बात है, उसकी शादी करवाना कोई आसान बात थोड़ी है। वो बाहर निकलता है जहाँ पे उसको पुट्टी आंधी तंग करती है, मतलब कॉमेडी। और फिर वहाँ पे आती है मुक्को अपने साथ मूवी का दूसरा सॉन्ग देके, इस पे ये मोरा चट को बताने की पूरी कोशिश करती है। और यहाँ इसके भरम तो देखो, जैसे जेलर के ऑफिस में नहीं बैठी हुई भाई, उससे उतार दिया था इसने, और कोई इसकी जमानत भी करवा देता है। मुझे जमानत नहीं, मोरा चट की जबान चाहिए। अबे जेलर भी परेशान है, भाई बहन सब पागल हैं क्या? और जब ये बाहर आती है तो हमें पता चलता है भाई इसकी जमानत तो मोरा चट ने करवाई थी। और तारो इसका नाम भी पूछती है, मगर ये भाई उसकी बात घुमा देता है कि भाई का नाम नहीं लेते। ओए एक भाई को इसने मार दिया है और एक भाई नूरी नूरी करती रहती है ये। अबे ये नाम नहीं लेती, ये सीधा ऊपर पहुंचा देती है भाइयों को। और मोरा चट उसको उसके गाँव के बाहर जोड़ के आता है। अच्छा मुझे अपने विलेज का नाम ही बता दो, मैं मोरा चट की राज तुम्हारे गाँव पे लेके आऊंगी। और यहाँ आते भाई फेमस तरीन डायलॉग, मोरा चट को भाई नटी मारेगा वरना भाई सबको मार देगी। और ये झूठ नहीं बोल रही। और मोरा चट कहते ओ रोशना समझा इसको, मगर यहाँ पे कोई भी नहीं है भाई, ना रोशन ना अंधेरा। अबे शायद कोई दोस्त वोस्त होगा इसका जो मर गया। और ये अपने फंदरों से कंध लेके भाई मोरा चट को मारने पेड़ निकल जाती है। और यहाँ इसको मिलती है भाई मुक्को, जो अपनी मटकियों के साथ जा रही होती है। और वो उससे मोरा चट को पूछती है, तो उसको कहती है अरे उस पे तो मैं बहुत फिदा हूँ। अच्छा कैसा है वो, मुझे भी देखना है उसको, कहाँ पे होगा वो? तो वो उसको विलेज का रास्ता बताती है। मगर इसको यहाँ पे ये मिल जाता है भाई, अबे क्या इसी के आश्रय में बैठा रहता है यहीं पे। और मूवी का तीसरा सॉन्ग आ जाता है जहाँ पे ये अपनी जान जोखिम पे डाल के ना इसको सेट करने की ट्राई मारता है। और वहाँ नूरी भी भाई बाहर आ जाता है चेयर से और पुलिस वालों को कहता है भाई मुझे बताओ मैं किस बंदे से मुकाबला करूं, एक तो उसके शौकिया रखे। और इंस्पेक्टर अपनी जान बचाने के लिए मारिक हाकू का बताता है उसको कि उससे जाके मारूं करो, ये तो कोई अंकल है। बेटा मैं ऐसे बंदे को जानता हूं, उससे पंगा मत लेना, हमने लिया था हमारे बच्चों को भी मार दिया उसने। नूरी कहता है और चाचा पदरा पदरा रहो उससे, उसका नाम बताओ मुझे। मगर वो नहीं बताते भाई। और नूरी ना भाई मेले में पहुंच जाता है कि शायद वहाँ पे मिल जाए वो। और वहाँ पे ना तो सस्ते पहलवान चैलेंज कर रहे होते हैं कि कोई मुकाबला करने आए, कोई मुकाबला करने आए। और मुकाबले का नाम सुन के एक ही बंदा आएगा, नूरी नट विद अपने फंडर्स। और सब फंडर भाई उनपे अटैक करते हैं, मगर वो सबको मार देते हैं पहलवान। शायद नूरी उनकी स्ट्रेंथ चेक कर रहा था कि असली के पहलवान है टिकटॉकर है। ओए सुनिए, तुम लोगों ने मरिक की औरत को मारा था, लड़के पता कर रहे हो तुम खुद। और भाई बहुत पीटता है इन दोनों को, वो गेम के अंदर एंड वाली बरा होती है ना, ऐसे मारता है इन दोनों को। और फिर कहता है मजा नहीं आया तुम दोनों से डर के भाई, ये लगता है मुझे अपनी नजर में से कोई पैदा करना पड़ेगा जिससे मैं फाइट करूं। अरे संगी आदमी है ये। वहाँ दिखाया जाता है मोरा चट को, जो 25 गांव का भाई जज है। वहाँ पे एक बुढ़ी औरत आती है इसे मदद मांगने के लिए, और मोरा चट उसके साथ निकल जाता है। और वहाँ पे नूरी नट ये सब तफरियां वफरियां करके ना फाइनली अपने घर पे आता है। अबे अजीब बंदा, ये अब तक घर पे ही नहीं किया था। यहाँ पे भाई ये दारू ना फुल एटीट्यूड में करी हुई होती है, और उसको सब बताती है कि भाई माका ऐसे पिट के आया था और मैंने उसको चांद से मार दिया, और ये इसको शाबाशी दे रहा है। अबे पूरा खानदान बकराया हुआ है। और वो बता दिए कि मेरी शादी उस नमूने से फिक्स करती है। और नूरी नट फुल जोश के साथ मोरा चट का नाम मिटाने के लिए ना भाई निकल जाते हैं वापस। अबे ये लोग घर में आराम वराम नहीं करते भाई, सिर्फ इनको मारना है किसी न किसी को। ये लोग तो पहले खुद बीच में आएंगे और ओवर एक्टिंग करके भाई चंबी मारेंगे। और ये पैरकारी बसी हुई होती है। और नूरी नट जो हमारा तिल का बहुत अच्छा बच्चा है, वो इनकी मदद करने आ जाता है, लेकिन भाई उससे निकलती नहीं है, तो कोई और भी इसकी मदद करता है।
और वो होता है मौरा जट। ये भी इसका नाम पूछता है लेकिन इसको नहीं बताता भाई। फिर हमारा नूरी कहता है बाद में मिलेंगे जिंदगी मेरी, तो अभी मैं किसी को मारने के लिए जा रहा है। और ये भाई मौरा जट के गाँव पे पहुंचा था, जहाँ पे मोदी को देख के मौरा जट समझता है इस मुल्टे का नाम है मौरा जट। लेकिन दानी आती है और इसको कहती है अगर तुम दोस्त हो तो घर में आके रस्सी भी हो, अगर दुश्मन हो तो इबादत करो अपनी जान के लिए। ओ सुनिए मेरे को मौरा जट की जबान दे दो, मैं तुम सबको माफ कर दूंगा। अबे मौरा जट जब है ही नहीं तो क्या फ्रिज में से निकाल के देंगे उसकी जबान। ओए सुनिए उसने मेरे भाई को चोट का निशान दिया था। अरे वो तो मैंने दिया था अपनी रात मार के। ओके नॉब राप राम अपनी टांग मुझे दे दो, तुम अपनी बहन का रिश्ता मुझे दे दो। ये सुन के नूरी नट को इतना गुस्सा आता है, अबे मार मार के ना उसकी टांग तोड़ देता है। अब खुश हो गया मोती है, ऐवे ही पंगा नहीं लेते हर किसी से। और जब मौरा चट यहाँ पे आता है तो उसको बताते हैं कि भाई वो तो टांग तोड़ के चला गया इसकी। और मौरा चट को आता है भाई बहुत गुस्सा, वो चाहते है कब्रिस्तान रोशन की कब्र के पास, और वहां से निकालता ही अपना हथियार। पूरी दुनिया में तुम ही मेरा गुस्सा रोक सकते हो, अब तुम नहीं तो कोई रोक भी नहीं सकता। और निकल जाता है भाई नूरी नट को मारने के लिए। रास्ते में ये नूरी नट के फंडर मिलते हैं इसको, अबे सबका गेम बजा देता है ये। और फिर मिलता है ये नूरी नट को, नूरी तेरी मौत मेरे हाथों से होगी। अरे सुनिए मेरे बाल सफेद हो गए, वो हाथ नहीं देखा आज तक जिस पर मेरे मौत की लकीर हो। और वहां नूरी नट को पता चलता है भाई यही मौरा चट है। और फाइनली दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है, मगर ये पुलिस वाले बीच में आके मजा खराब कर देते हैं और इन दोनों को गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाते हैं। और जब ये आके बताते हैं ना कि भाई मौरा चट गिरफ्तार हो गया तो ये सब बड़े खुश होते हैं। अबे सब इस मूवी में खुशी है भाई, कोई जेल चला जाएगा कोई मर गया लेकिन सबको खुश रहना है। फिर पुलिस भी आती है कि भाई कोई चश्मदीद गवाह है जिसने देखा है कि नूरी ने इसकी टांग तोड़ी है तो हमें बताओ हम उसको जेल में बंद करेंगे। और ये जो दानी जो लाइव टेलीकास्ट देख रही थी उस टाइम कहती है भाई मौरा चट खुद बदला लेगा। और पुलिस स्टेशन में भाई अलग ही मोहर बना हुआ है और मौरा चट उनको बताता है कि मैंने ही मलिक हकू के कारनामों को खत्म किया था। कोई बात नहीं मौरा चट मैं तुमको खत्म करूंगा। पुलिस वाले इन दोनों को समझाते भी है, गुस्सा गुस्सा छोड़ो कंप्लेन करो हम कार्रवाई करेंगे। मैं तो कहता हूँ इनको रहने दो और टिकट भी लगा दो उसका फायदा ही फायदा होगा, मगर मेरी बात नहीं सुनी और दोनों को चेयर बेचने की तैयारी करने में रख जाते हैं ये लोग। बेचारा चेयरर अबे इतनी मुश्किल से अपनी जान बचाता है, ये फिर कोई पंगे करके आ जाता है उसके चेयर के अंदर। और ये दोनों अपने फंडर और भाई पुलिस वालों के साथ निकल जाते हैं चेयर जाने के लिए, जहाँ पे आता है सॉन्ग नंबर 4 जिस पे दोनों पार्टी अपनी तारीफ कर रही होती है और राइव रोस्ट कर रही होती है एक दूसरे को। चेयर के बाहर ये फिर पंगे रहते हैं, ओए नूरी अपना पाँव मुझे दे दो और इस बात को यहीं खत्म करो। अबे इनसे ज्यादा तो इनके चिरकुट परम मार रहे हैं और जेल में भी भाई ये रहना शुरू हो जाते हैं। अबे ये सब ये मौरा चट के सर पे क्यों कंडे मार रहे हैं, अबे वो हीरो है। और फिर आ रहे हक्कू कातिल तारो के पास, शायद उसका फियांसे है मुझे सही से पता नहीं क्योंकि मैं नूरी नट का फंडर नहीं। मौरा चट के गाँव पे जाओ और उस दीवाने को मारो जो मुझसे शादी का सोचता है और उसकी लाश को मेरे पास लेके आओ। अबे सबसे ज्यादा संगी तो यही है। और ये निकल जाता है उसको मारने के लिए, ये मौरा चट का पूछता है तो उसको पता चलता है भाई मौरा चट तो चेयर के अंदर बने, गाँव के सभी लोग मौरा चट हैं। ओके देती तो मैं सबको ही मारूंगा। और वो कन निकाल के भाई सबको मारना स्टार्ट कर देता है। और दानी जिसने बंगा दिया था अब वो तो सबसे पहले भागती है लेकिन बुरी आने की वजह से ये भी वहां से भाग जाते हैं। और दारो को बताता है कि भाई मैंने काफी लोगों को मार दिया है लेकिन पुलिस आ गई थी तो इसलिए वो नमूना नहीं मिला, मगर फुल मून से पहले मार देगा मैं उसको। और वहाँ अदालत इन दोनों को जोड़ देती है। मुझे तो लग रहा है ये चेहरे ने सिफारिश करवाई होगी कि भाई चट साहब मेरी जान बचाओ, और इन दोनों को करबे नजरबंद कर देते हैं। और जब मौरा चट घर से निकलने की कहता है तो ये सब पुलिस वाले कहीं से भाग के आ जाते हैं। अबे कहाँ गए थे ये सब, ढापे पे चाय पीने गए थे क्या? मगर मौरा चट कट्टू नहीं मानता इनकी भाई, निकल जाता है। और ऐसी टेंशन वाली सिचुएशन में ना सॉन्ग नंबर 5 आता है। अबे बंदा नूरी नट को मारने के लिए जा रहा है मगर मुक्को के भाई अपने ही कोई खुरफाती इरादे हैं। और वहाँ पे नूरी नट अपने जख्म को ताजा कर रहा है। अबे सबके सब जायकों में भाई, और ये आके पिन कर दिए, फुल मून आने वाला है और मौरा चट अभी तक जिंदा है। और इसको आते है जोश और ये गुस्से में निकल जाते हैं वहाँ से, और मौरा चट भी उसी टाइम निकलता है। अबे टाइमिंग देख रहे हो दोनों की, मेड फॉर ईच अदर रहेंगे। मगर पुलिस वाले भी तंग आ गए, इनके पीछे रख जाते हैं और कोरिया मारना स्टार्ट कर देते हैं। और किसी भी मूवी में पहली दफा हीरो को कोरी भी लगती है। दोनों को टिशू 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 करके बहुत सारी कोरियां मारते हैं और दोनों एक दूसरे के सामने आके गिर जाते हैं। और पुलिस वाले इनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं और इन दोनों को भाई एक ही रूम के अंदर बैठ देते हैं, मतलब भाई दुश्मन आमने सामने। और ये दोनों भाई एक दूसरे से फिर बंगे रहते हैं, फुल टाइटअप पासी होती है यहाँ पे। और पुलिस भी भाई फुल इंजॉय कर रही है इनकी लड़ाई। और यहाँ पे आती है मुक्को अपने मटकों के साथ, अब हर जगह अपने साथ लेके जाती है मटके। और मौरा जट कहते हैं पुलिस वालों को नूरी नट की बहन आने वाली है
सब ऑफिसर कमरे से बाहर चले जाओ। ही इज इम्प्रेस्ड। तुम भी अपनी आंखें नीचे ही कर रहे हो। और इन दोनों लेडीज की एमए फाइट हो जाती है भाई, एक दूसरे को चंपे करवाने लग जाती है। और यहाँ पे दारू को पता चलता है ये सामानत वाला रौंदा जो था ना, यही मोरा चाहता है। ओए शादी की तैयारी कर दो तुम दोनों भाई बहन। ओए सुनिए, फुल मून वाली रात तेरे गाँव वाले बस दो चीजें देखेंगे, एक आग और दूसरी अपनी मौत। यहाँ चांद की भाई हरक पड़ी हुई है। अबे मेरा नाम ले लेके इतनी धमकियां दे रहे हैं, अबे कहीं है मुझे फुर्स से आफ ना कर दे। और ये अक्कू गाते थे फिर आते हैं और पुलिस को देख के फिर भाग भी जाते हैं, और ऐसे चुप जाता है ये। अबे पीछे पुलिस की जीप आ रही थी, उनको नजर नहीं आया ये। और हॉस्पिटल वाले भी भाई तंग आके इन दोनों को डिस्चार्ज कर देते हैं। और वहाँ पे ये अक्कू ड्राइवर नहीं अक्कू गाते चुबन चुबाई खेलने के बाद वापस गाँव पे आ जाते हैं, दानी को तंग करने लग जाते हैं। और ये वो काम करती है जिसके लिए इसको मूवी में दिया है। अबे मोरजक मार देता है इसको। ओए इसकी लाश दारू को देके आओ, शादी का गिफ्ट समझ के मैं जरा नूरी की टांग लेने। अबे टांग से कुछ सारे ऑब्सेस है इसको, और ये लोग सच में लाश को गिफ्ट लेके चले भी जाते हैं। अबे कैसे रोकेंगे। और दारू सदमे में चली जाती है, और नूरी गुस्से में, और आग लगे बस्ती में अब अपनी मस्ती में ये परात देके भाई निकल जाते हैं। ये सब पंगे उस माके की वजह से हो रहे हैं। अबे खुद तो मर गया सबकी लाइफ खराब करके। और इसी बात पे एक और सॉन्ग स्टार्ट हो जाता है, शादी का सॉन्ग। और नूरी अपने फंदरों से परात पे हमला करवा देता है। मेरी बहन के मंगेतर को मार के उसी की परात लेके आ रहे हो, अबे तुम सबको मारूंगा मैं। और मोरा चट को अभी भी इसका पांव चाहिए, इंसाफ चाहिए उसको। ओके नो प्रॉब्लम, फंदरों कुकादे की मौत का बदला ना मुक्को को उठा के दे दो, ये भी मेरा इंसाफ है। कैसा इंसाफ है ये। और मोरा चट सब फंदरों को मार देता है भाई। और वापस से इन दोनों की फाइट स्टार्ट, जहाँ पे ये नूरी नट को भाई बहुत पूरी तरह मारता है कि ये बीच में आ जाती है हाथ जोड़ के कि मेरे भाई को छोड़ दो। और मोरा चट भाई फुल इमोशनल हो जाता है, बहना इतनी सी बात मांगी, अबे तुम मेरी जान भी मांगती ना मैं दे देता, बस मुझे एक दफा प्यार से भाई कह दो। और ये सच में कह भी देती है उसको भाई। और वहाँ नूरी एक शॉकिंग काम करता है, अपनी टांग खुद ही काट देता है। रे भाई मेरी टांग रे, अपना इनाम समझ, तेरा इंसाफ हो गया, तू जीत गया भाई मैं हार गया। लगता है ये भी सुधर गया, क्या तो तब किया है। ओए नूरी तू बैरे सुधर जाता तो ना कोई मरता ना किसी की टांग कटती। मोरा जट कभी भी गुस्सा नहीं हो अगर दुनिया में हर तरफ इंसाफ हो। और इसके साथ मूवी एंड हो जाती है। और जब मूवी एंड हो गई तो मैं यहाँ गरम अंडे भेजूंगा, मैं भी चलता हूँ नेक्स्ट वीडियो की तैयारी करता हूँ। जब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लो यार, वहाँ पे कोई फॉलो नहीं करता मुझे यार। और इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे, जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।